हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं दो चीज़ें लेकर आया आपके लिए। ये दो चीज़ें काफ़ी पूछी जाती हैं इंटरव्यूज़ और वाइवा में, टेम्परेचर एंड डेफिनेशन ऑफ 1 केल्विन। टेम्परेचर आप लोगों ने जनरली स्कूल टाइम में अगर पढ़ा होगा तो टेम्परेचर को आप डिफाइन करते थे ऐसे, द डिग्री ऑफ कूलनेस और हॉटनेस। पर वो स्कूल में ही, वो स्कूल तक के लिए सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इसको किसी इंटरव्यूअर के सामने बीटेक करने के बाद बोलेंगे कि टेम्परेचर इज अ डिग्री, इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस ऑफ अ बॉडी, तो आप उसी समय रिजेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी तो आपको टेम्परेचर थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से डिफाइन करना पड़ेगा। तो देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है टेम्परेचर के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग टेम्परेचर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम दैट डिटरमाइंस वेदर द सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग और नॉट। थर्मल इक्विलिब्रियम में होने या ना होने का मतलब ये है कि अगर कोई दो बॉडी है, बॉडी सपोज बॉडी वन एंड बॉडी टू, इफ दे बोथ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम देन नो हीट इंटरेक्शन कैन टेक प्लेस। बट इफ द बॉडीज आर नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ T1 is greater than T2, heat transfer will take place in this direction. If T2 were greater than T1, then heat transfer would have taken place in this direction. So, thermal equilibrium में body है या नहीं है, इससे हमें ये पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में, दो bodies या दो एक system और surrounding के बीच में heat transfer होगा या नहीं होगा। तो temperature वही प्रॉपर्टी है किसी सिस्टम की जो हमको ये बताएगी कि दो बॉडीज के बीच में हीट ट्रांसफर हो सकता है या नहीं हो सकता, सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। ओके, नाउ वी कम टू 1 केल्विन। तो 1 केल्विन इज डिफाइंड एज 1/273.16 टाइम्स ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो खुद 273.16 केल्विन होता है। वैसे इस चीज़ का कोई, अगर आप देखेंगे 1 केल्विन का, ये कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है जो आपको इसको पढ़ के ऐसे लगेगा क्या बता दिया, लेकिन ये इसको डिफाइन इसी तरीके से किया जाता है। ओके, तो कभी भी कोई पूछे या ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है, किसी एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि 1 केल्विन किसके बराबर होता है, तो वो आपको कन्फ्यूज़ करेगा 1/273.16 टाइम और 1/273.15, इन दोनों के बीच में आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो 273.16 टाइम इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको जरूर लाइक कीजिए। इसी तरीके की वीडियोस और ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। और अगर कुछ इससे रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं मेरे से तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।